दोस्तों चूहा का बिल ये है जो इधर से आया और खुल के था इधर, तो अभी हम लोग इस प्रकार से इसको खड्डा कर चुके हैं। मूसक राज के कारनामे से हम लोग परेशान होकर कई दिनों से इसका समाधान परमानेंट सॉल्यूशन करने के फिराक में थे। आज चाहे जितना भी समय लगे इसमें हम लोग काम करने वाले हैं और इसके हर समस्या का समाधान करने वाले हैं। नमस्कार, भोला राज ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ये वाली जो समस्या है आप देख सकते हैं, इसमें हम लोग काम किए थे, इसमें सीमेंट डाले थे, लेकिन इसके नीचे से, इस छोर से एकदम नीचे से जो चूहा है वो नीचे होल कर दिया था, जिसमें मिट्टी बोरवेल में जाने लगा था। और ये बहुत खतरनाक है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बोरवेल का पानी, ये जो कैसिंग पाइप है, इसके चारों ओर इतना का गैप है, इसके चारों इतना, आई थिंक वो 5 इंच वाला से बोरवेल किया गया था कैसिंग पाइप को डालने के लिए, और वो उसके चारों का हिस्सा बिल्कुल खाली है, उसमें कुछ भरा ही नहीं गया है। और जब भरते हैं तो सीधा वो पानी में पहुंच जा रहा है, ऊपर रुकता ही नहीं। तो अभी हम लोग इसको ये करने वाले हैं, ठीक करने वाले हैं। और आज का टेम्परेचर इतना खतरनाक था कि मत पूछिए। अभी देख सकते हैं 5:27 हो चुका है शाम के, और चारों ओर अच्छी खासी धूप दिखाई दे रही है, हल्के फुल्के बादल भी हैं, और एकदम शाम होने को है, लेकिन धूप खतरनाक वाला है। लेकिन उस बिल्डिंग पर आप देख सकते हैं, ये बिल्डिंग पर दिन में भी काम करता है लोग, माला न माला गजब, लेकिन गर्म नहीं लगता होगा ना, लेकिन धूप तो लगता होगा जी। और हम लोग घर में कूलर के हवा में भी नहीं रह पाते हैं, इतना वो गर्म लगता है। तो अभी इसका काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं सीमेंट लेकर आता हूँ, ठीक माला। तब तक आप लोग कोड़ के रखिए, इतना हम कोड़े हैं कल, और अभी आप लोग खाली वो शीशा कोड़ के रखिए जितना सकिएगा। हाँ, थोड़ा थोड़ा ये कोड़ेंगे, क्या कि इसमें पहले ईंट को डालेंगे, समझ गए, ईंट का ऐसा रिंग जैसा बनाएंगे और उसके बाद सीमेंट डालेंगे ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है। और चौड़ाई हो सकता है, इसी से करना पड़ेगा सबल से, ठीक। तो चलते हैं, पहले सीमेंट को ले आते हैं, सीमेंट ले आने के बाद काम करेंगे। बाबू उठ जा रे। अभी मैं सीमेंट लेने के लिए जा रहा हूँ, अभी मैं आ चुका हूँ सीमेंट ले के। काम हुआ बेटा? चलिए, सीमेंट आ चुका है। देखिए दोस्तों, चूहा का कहाँ से बिल कैसे आया था, देखो बेटा इधर, ये देखिए, ये देखिए अंदर अंदर है, इसका कनेक्शन एकदम बिल्कुल ऐसे गया हो। देखिए चूहा का बिल कैसे है, और यहाँ पे मैं कपड़ा देके रखा हूँ, इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ब्लैक ब्लैक, यहाँ तक चूहा पहुँच गया था, ये यहाँ तक बिल्कुल इसके पाइप के नीचे देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ घुस रहा है। दोस्तों चूहा का बिल ये है जो इधर से आया और खुल के था इधर, तो अभी हम लोग इस प्रकार से इसको खड्डा कर चुके हैं। दोस्तों ये वाला काम आज नहीं हो पाएगा, अभी इसमें हम लोग बालू डालेंगे, कल और इसको गड्ढा करेंगे, और गड्ढा करने के बाद ईंट जोड़ेंगे। तो अभी सीमेंट को रख देते हैं, बाद में आप जोड़ेंगे, सीमेंट अभी रख देते हैं। चलिए चलाइए लाइए, अभी बालू लाया जा रहा है। आज इसका काम फाइनल कर दिए हैं, और अच्छा खासा सीमेंट दिए, 1 बोरा का सीमेंट डाले हैं, और 5 फीट नीचे से पिलर बनाते हुए, ताकि अब इसको चूहा कोड़ नहीं पाए। अब देखते हैं क्या करता है। इसका काम पूरा कर चुके हैं,
और ये अभी इसमें पानी डाल रहे हैं चारों ओर ताकि जमीन पूरी तरह बैठ जाए और फिर चूहा सुरंग वगैरह नहीं कर पाए या हो तो बंद हो जाए, इसलिए इसके चारों ओर पानी डालने का अभी प्रयास कर रहे हैं। और इधर माला आज बना रही है, गाय की लगाई सुबह दूध निकाली है और उसका आज खोआ बनने वाला है। तो अभी इसमें इसको गर्म किया जा रहा है, चलाया जा रहा है और इसमें चीनी डालेगी ना, खोआ बन जाएगा माला। अब से लगभग 2 किलो का समय दूध है ना, आज बना के देख रही, पहली बार तुम बनाएगी ना। चलिए पानी को हम कर देते हैं उधर खेत की ओर, क्योंकि गाय के लिए घास में भी पानी डालना होता है। इस पाइप को लगाते हैं ठीक से, इधर गाय के लिए घास में पानी डालने जा रहा है और ये बिल्कुल सूख चुका है लेकिन फिर भी पानी डाल रहे हैं हम लोग। कुछ दिनों की बात है, अब वर्षा होने वाली है। चलिए दोस्तों, इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। यह ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, जो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। वंदे मातरम, भारत माता की जय।